तो अगर आमंत्रण आया है तो उस पर विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो क्यों ऐसा दिया इस पर विचार करने की जरूरत है। 12 जनपद जिस तरह से गलत तौर तरीके अपनाते हुए कई दलित महामानों का अपमान हुआ उस दिन। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बोछा चुनाव और उसका रिजल्ट, उसके बाद बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल। उसके बाद कहते दही चूड़ा और इफ्तार, राजनीति का यू टर्न होता है। तो अभी दावत इफ्तार है 22 तारीख को राजद की तरफ से। तेजस्वी ने दावत दिया है चिराग पासवान को भी, हमारे साथ राजेश भट्ट जो चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता हैं। दावत इफ्तार कबूल है? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे जी, चूँकि दावत उनको मिली है जी। और देखिए वो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, सभी धर्मों में उनका विश्वास है। हमारे पार्टी का स्लोगन भी है, जात ना पात करे सबकी बात, आप देखते होंगे। तो अगर आमंत्रण आया है तो उस पर विचार राष्ट्रीय अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा, और अगर वो जाएंगे तो पूरी पार्टी के सभी नेता जाएंगे। बोछा चुनाव का रिजल्ट? नहीं, बोछा चुनाव का रिजल्ट पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह दलितों का इधर और ख़ासकर पासवान जाति का जिस तरह अपमान और अनदेखी हुई थी, मैं समझता हूँ बोचहा उसकी परिणति के रूप में परिणाम सामने आए हैं। खुश हैं आप लोग रिजल्ट से? नहीं, खुश नहीं है। देखिए, खुशी और नाराजगी से बहुत कुछ होने को नहीं है, लेकिन ये जनता है, बिहार में राजनीतिक चेतनशीलता जिस तरह से लोगों में है, हर व्यक्ति राजनीतिक तौर पर काफ़ी समृद्ध है, अपनी मजबूत सोच रखता है, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो क्यों ऐसा दिया इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कुछ ही समय पहले 12 जनपद जिस तरह से गलत तौर तरीके अपनाते हुए कई दलित महामानों का अपमान हुआ उस दिन। 12 जनपद के दरवाजे के सामने हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्मश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरें बिखेर दी गई थी सड़कों पर, और शासन प्रशासन के अधिकारी उन पर जूते चप्पल पहन के चल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि देश के दूसरे अंबेडकर का उस दिन अपमान हुआ था, और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा का अपमान किया गया, चूंकि उनको भी सड़कों पे फेंका गया। तो भारत में, पूरे देश भर में, मैं आपको बता दूं कि दलितों में एक भयंकर आक्रोश है, और आक्रोश की परिणति बोचहा में दिखा है। चलिए आखिरी दो सवाल आपसे। सैनी जी वहाँ अच्छा खासा वोट लेकर आए, वो कह रहे थे कि सब छोटे छोटे जो दल हैं उनके साथ भी आए, बात हुई है क्या सैनी जी से आप लोगों की? नहीं नहीं, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, हम लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई प्रेस वार्ता में, आपसे भी कई मुलाकात में कहते रहते हैं कि हम अभी पार्टी को मजबूत करने जा रहे हैं। दिया कि नहीं जीते? नहीं, मुबारक जीतने वाले को है ना। नहीं, इतना वोट लेकर आए वो भी ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने और प्रयास करें और आगे जाएं, हमारी शुभकामना है। लेकिन जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं, अमर पासवान जी, निश्चित तौर पर उनको हम शुभकामना देते हैं, हमारी हार्दिक बधाई है उनको हमारी पार्टी की ओर से कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को बचाए रखा, बरकरार रखा। और देखिए बोचहा में जो हुई है, वो जो दलितों का लगातार अपमान हो रहा है, इधर देख रहे हैं बिहार में कई दलितों की हत्याएं हो गई, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कभी जाड़े का दिन होता है तो ठंड लग गया, होली के दिन 33 लोगों के। सवाल है कि गठबंधन की सरकार है, अच्छा। और गठबंधन में जो जो व्यवहार देखा जाता है, निश्चित तौर पे जनता उस पर आकलन करती। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजेश भट्ट मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि दलितों के साथ जो हुआ और हमारे रामविलास पासवान के साथ जो हुआ उसका रिजल्ट है बोछा। जाएंगे अगर चिराग जाएंगे तो पूरी सेना जाएगी, और दावत इफ्तार में बात होगी और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपको क्या लगता है कि चिराग और तेजस्वी कुछ खेला करने जा रहे हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।